बस एक बार ट्रैक्टर चलता है और खेत की मौजूदा अवशेष और नमी में ही गेहूं की बुआई का कार्य संपन्न हो जाता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें बुआई बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। इस विधि में ना जुताई का खर्च, ना ही पाटा लगाने का झंझट। इतना ही नहीं, इस विधि से 6 से 7 दिन पहले ही गेहूं की बुआई हो जाती है। नवंबर के पहले हफ्ते में जिस खेत में हम गेहूं बो देते हैं सर, जीरो टिल से, और 4 सिंचाई कर देते हैं, तो हमको 20 क्विंटल से ऊपर पैदावार निश्चित मिलेगा। और जब दिसंबर में हम लोग करते हैं तो हमारा पैदावार घट करके 12 क्विंटल 14 क्विंटल पा जा रहा है। पारंपरिक तरीके से की गई गेहूं की बुआई के लिए सामान्यतः 5 से 6 बार जुताई करनी पड़ती है एवं खेतों को समतल करना पड़ता है। यहाँ तक कि पिछले धान की फसलों के अवशेषों को हटाने के लिए उन अवशेषों को जलाना भी पड़ता है। इस जटिल कार्य की वजह से बुआई में देरी तो होती ही है, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता है। यदि तुलना की जाए तो पारंपरिक विधि में 4 से 5 दफा ट्रैक्टर का अधिक उपयोग होता है। इस वजह से इस पुरानी विधि में ईंधन, मेहनत और अधिक पैसा खर्च होता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई करने से 80% तक ईंधन की बचत होती है। इस विधि में कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ ट्रैक्टरों की घिसावट में भी कमी आती है।